वेलकम टू माई चैनल अमृत चौधरी, और आज मैं आपके लिए आज की पावर पैक टेक न्यूज लाया हूँ। सो ज्यादा देरी नहीं करते, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो टेक न्यूज स्टार्ट करते हैं, और क्या। तो सबसे पहले न्यूज की बात करूँ तो Redmi का 5A जो कि Snapdragon के 425 5 इंच की HD स्क्रीन के साथ मंडे को लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि 21 को चाइना में लॉन्च किया जा सकता है Redmi का 5A। इन फाइट Xiaomi ने स्टार्ट कर दिया है, अब देखते हैं वो क्या प्राइसिंग के साथ और क्या स्पेक के साथ लॉन्च किया जाता है। तो और अब एक व्यक्ति इंडिया में भी कब आने का संभावना है। और मैं आपको अगली न्यूज की तरह बताऊं तो Asus का Zenfone Zoom S फोन इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 5.5 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है, Snapdragon का 625, 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, 5000mAh की मैसिव बैटरी, 7.1.1 पे सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा, अभी 6 पे है लेकिन 7.1.1 पे जल्दी अपग्रेड हो जाएगा। इसमें आपको 12+12 मेगापिक्सल के दो कैमरा मिलते हैं, और इसमें आपको 1.7 का अपर्चर मिलता है, EIS भी मिलता है, आपको OIS भी मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें मिल जाता है, और इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है, और इसकी प्राइस नहीं रखी गई 27,000 समथिंग, ऑलमोस्ट 27,000। तो फोन स्पेक्स के मामले में काफ़ी बेहतर है, अगर वो Snapdragon का 660 देते तो भाई किलिंग किलर फोन हो जाता है Asus का Zenfone Zoom S। आप देखते हैं क्या करें भैया, कुछ कर सकते हैं ना। ओके, और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बढ़ूँ तो Xiaomi Redmi Note 4 का आज से MI.com और Flipkart पे ओपन सेल हो गया, यानी कि आपका आपको जब भी मन हो तब आप ले सकते हो, पहले होते थे फ्लैश सेल्स, अब ओपन सेल हो गया है। तो काफ़ी सारे स्टॉक आपका Xiaomi ने कंक्लूड कर लिया, या दोस्तों फोन बिका ही नहीं है, सॉरी फॉर दिस। तो यानी कि अब आप जब चाहो तो Xiaomi का Redmi Note 4 ले सकते हो, अगर आपको लेना है तो लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरह बताऊँ तो कल नोकिया का 8 फोन लॉन्च कर दिया गया था लंदन में, तो मैंने आपको बोला था वीडियो बनाऊंगा पर कुछ मज़ा नहीं आई मुझे। मज़ा तो है भाई, फ़ोन तो बहुत ही अच्छा है, पर कितने सारे वीडियो आप लोग देख ही लोगे तो मेरी वीडियो क्या देखोगे। तो नोकिया की स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें आपको 5.3 इंच की क्वाड एचडी IPS LCD पैनल मिलता है, और इसके आपको लगा हुआ है 2.5D गोरिल्ला ग्लास 5। इसमें आपको Snapdragon का 835 मिलता है, जो कि 10 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, और जो कि क्लॉक 2.45 GHz पे। इसमें आपको 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, 3000mAh की बैटरी, और इसमें आपको यानी कि 13+13 मेगापिक्सल के दो कैमरा मिलते हैं, और जो कि कार्ल जाइसिस के सेंसर में आता है। इसमें आपको 8GB सेंसर मिल जाता है, एक कलर वाला एक ब्लैक एंड वाइट वाला, और इसमें आपको 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ भी मिलता है। इसमें आपको लेजर ऑटो फोकस भी मिल जाता है बैक कैमरा में, और जो कि 4K वीडियो OIS पे दोनों पे रिकॉर्ड कर सकता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये बिल्ड है 6000 एल्युमिनियम सीरीज की मेटल बिल्ड से, तो फ़ोन काफ़ी सॉलिड होने वाला है, यानी काफ़ी मजबूत फोन होने वाला है नोकिया का 8। इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, इसकी प्राइसिंग है 599 यूरो, जो कि कन्वर्ट करते हैं तो 45,000 रुपीज़ होती है, और ये शायद इंडिया में अक्टूबर में आ सकता है सिर्फ। और एक और फीचर जो कि बहुत ही इसका हाईलाइटिंग फीचर है, इसमें आपको बोधी मिलता है, बोधी मतलब कि अगर आप दोनों साइड से यानी कि आप फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा एक ही साथ ओपन कर सकते हो, ये वाला एक फीचर आपको मिल जाता है नोकिया 8 में, जो कि सबसे हाईलाइटिंग फीचर है। और एक और हाईलाइटिंग फीचर ये है कि इसमें आपको OGU ऑडियो मिलता है, जो कि आप अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी की ऑडियो भी मिल सकती है। तो ये दो हाईलाइटिंग फीचर हैं, OGU ऑडियो, कार्ल जेसिस कैमरा और बोधी। अब देखते हैं इंडिया में आता है किस प्राइसिंग के साथ, अगर 40,000 तक का आए तब चलेगा, वरना 1+5 इज फार बेटर दैन दिस। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरह बनूँ तो LG के V30 के कुछ लीक्स आए हैं, थैंक्स टू इवन ब्लास्ट का कुछ ट्विटर हैंडल पे कुछ लीक आए थे LG V30 के, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे फोटो।
अब 30 अगस्त आने वाला है, देखते क्या धमाल मचाएगा LG का V30। नोकिया एक से तो अच्छा होना चाहिए LG की V30 को। और मैं अगली न्यूज़ तरफ बढ़ूँ तो हुआवे का मेट 10 लॉन्च हो सकता है 16 अक्टूबर को विथ किरिन 970 SoC, यानी कि किरिन का 970 हुआवे मेट 10 के साथ डेब्यू करेगा, जिसमें आपको आर्म कॉर्टेक्स A73 के 4 कोर्स मिलते हैं और आर्म कॉर्टेक्स A53 के भी 4 कोर्स मिलते हैं, जो कि क्लॉक 2.8 GHz पे। इसमें आपको माली का G72 MP8 GPU मिलता है। तो यानी कि हुआवे किरिन का 970 डेब्यू करेगा हुआवे के मेट 10 के साथ। तो देखते हैं अब क्या धमाल मचाएगा। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बढ़ूँ तो MediaTek अपना हीलियो P23 and P30 प्रोसेसर लॉन्च कर सकता है 29 अगस्त को। और हीलियो P23 बेस्ड होगा 16 नैनोमीटर के FinFET टेक्नोलॉजी पे, और हीलियो का P30 बेस्ड होगा 12 नैनोमीटर की FinFET टेक्नोलॉजी पे। और हुआवे बता रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंसी भी प्रोसेसर होने वाला है। तो शायद Xiaomi और ओप्पो वाले का थोड़ा शर्म लहे आज करें तो ये भी प्रोसेसर दे, तो हम लोग काफ़ी अच्छा मज़ा मिलने वाला है। और मैं आपको अगली बार बताऊँ तो फ्लिपकार्ट अपना एक अपना ब्रांड लॉन्च कर सकता है स्मार्टफोन्स का, जो कि होने वाला है बिलियन ब्रांड। अब देखते हैं वो कब लाएगा, क्या स्पेक्स के साथ लाएगा और क्या धमाल मचा पाएगा कि नहीं। और मैं आपको अगली बार बताऊँ तो Q2 में सैमसंग ओवरटेक कर लिया Xiaomi को, यानी कि Q1 की ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि Xiaomi ने सबसे ज़्यादा फोन्स बेचा है, पर सैमसंग इसको ओवरटेक कर लिया अपने S8 से, यानी कि द ग्लॉसीएस्ट फोन Samsung Galaxy S8 my love, यानी कि वो सबसे टॉप फोन में आया है, तो काफ़ी अच्छी बात है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जरूर ट्राई करूंगा एक ऐसा लेने का। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बताऊँ तो इलुगा का कल i2 एक्टिव, जो कि 4G वोल्टी के साथ फोन लॉन्च किया गया है, बहुत ही घटिया वायद बेकार घटिया वायद सब घटिया एस्पेक्ट्स है, मैं आपको नहीं बताऊँगा। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बताऊँ तो लाइफ का कल एक फोन लॉन्च किया गया, जो कि C451, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 210 मिल जाता है, 1 GB की रैम, 8 GB इंटरनल स्टोरेज, 2900 mAh की 2800 mAh की बैटरी, प्राइसिंग है 5000 rupees 4999, और इसमें आपको 4.5 inch की WGA वाली स्क्रीन मिल जाती है। तो एक बजट 4G वोल्टी सेंट्रिक फ़ोन है, जिनका बजट बहुत कम है ये फ़ोन चेकआउट कर सकती हो, वो सब तो बढ़िया रहेगा इस फ़ोन तो भाई, ठीक है। और आप देखते हैं तो कोई बात नहीं। और मैं आपको अगली तरफ बताऊँ तो स्वाइप ने अपना एक 4G वोल्टी फोन लॉन्च किया है, जो कि 5 inch की साथ डिस्प्ले से आता है, इतना आपको 5 inch की डिस्प्ले मिल जाती है, 60WG वाली, 1.3 GHz का क्वाड कोर अननोन प्रोसेसर, 8 GB की रैम, 8 GB की इंटरनल स्टोरेज, और एक्सपैंड भी कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग है 4000 rupees। तो वही बोला मैंने, एक बजट वोल्टी सेंट्रिक फ़ोन है, तो दो फोन लॉन्च किए गए थे, ये थोड़ा ज़्यादा बजट है 4000 rupees की कीमत में। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बताऊँ तो Xiaomi ने अपना नया दिल्ली में NCR स्टोर खोला है, ऑफलाइन स्टोर, अब दिल्ली में भी कल उनका इस यानी कि ओपनिंग हो जाएगा दिल्ली NCR में अपना एक Xiaomi का मी होम स्टोर, जो कि इस वीक में ओपनिंग हो जाएगा, जो काफ़ी अच्छी बात है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बताऊँ तो इंडियन गवर्नमेंट ने 21 कंपनी जो कि चाइनीज़ कंपनी है, जैसे वीवो, ओप्पो, Xiaomi, उनको रिपोर्ट भेजा है कि उन्होंने, क्योंकि काफ़ी सारे चाइनीज़ कंपनी इंडियन यूज़र का डेटा लीक कर रहे थे, तो उन्होंने सबको वार्निंग भेज दिया है कि आप 28 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को सबमिट करो, वरना आपका लाइसेंस या कुछ भी हो सकता है। तो ये काफ़ी गलत बात है कि इंडियन का Xiaomi लोग इतना इंडियन से प्रॉफिट ले लेते हैं, इंडियन की डाटा सेफ नहीं रखते हैं, ये काफ़ी गलत बात है, मेरे ख्याल बहुत ही वायद बात हो गई, यानी कि काफ़ी गलत बात है ये चाइनीज कंपनी वालों की। और ना आपको तब देखते हैं 28 अगस्त को क्या डिसीजन ये लोग लेते हैं। और ना अगली न्यूज़ तरफ बताऊँ तो वोडाफोन ने अपना एक नया प्लान निकाला है, जो कि 449 rupees का, इसमें आपको 1 GB डेटा प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग मिलता है 84 days के लिए। जब भाई एयरटेल दे रहा है 399 का, जियो दे रहा है 399 का, तो मैं वोडाफोन क्यों लूँ, वाई। तो भाई जिसको अगर नेटवर्क अच्छा मिले तो यहाँ, तो भाई बोला होगा 3G नहीं चलता है बिहार में, क्या हद है यार, देखते हैं। और मैं आपको अगली दिन से बढ़ूँ तो मोटरोला ने एक पेटेंट निकाला है, यानी कि ऐसा पेटेंट निकाला है जो स्मार्टफोन का ऐसा स्क्रीन होगा जो ऑटो यानी कि खुद से रिपेयर हो जाएगा, यानी कि मोटरोला ग्रांटेड पेटेंट फॉर ए स्मार्टफोन डिस्प्ले दैट रिपेयर्स इटसेल्फ। तो भाई अब देखते हैं क्या आने वाला है, मोटरोला का शटर प्रूफ तो आता है, अब खुद से डिस्प्ले कैसे ठीक होगा, अब ये दिखने वाली चीज़ है। और मैं आपको अगली न्यूज़ तरफ बोलूँ, क्योंकि लास्ट न्यूज़ है, वो एसर का प्रीडेटर हीलियोस 300 गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किया गया है एसर की तरफ से, जिसका प्राइसिंग होती है 129,999,
और यानी कि इसमें आपको इंटेल का i7 हो जाता है, i7 वाला i7 7 जनरेशन, 8GB की DDR4 वाली रैम, 4GB की DDR5 वाली NVIDIA का G7X1050Ti GPU ग्राफिक्स, और इसमें आपको 1TB की हार्ड ड्राइव भी मिल जाती है, और पता नहीं क्या क्या मिलती है। इसके प्राइस है यानी कि 1,29,999 जो भी है भाई, इतना लंबा नाम है, 1,30,000 कह दे यार। तो स्क्रीन में देखो फोटो ऐसी है, अब देखते क्या आने वाला है। तो दोस्तों यही टेक्नोस के बाद जो टेक्नोस है मैंने बता दिया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव थम्स अप, इफ यू डिडंट वोट ऑन एम प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों सब्सक्राइब करो ना यार, सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीक, बाय।